मॉर्निंग टू ऑल माइ डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास थ्री टूडे आई एम हियर टू एक्सप्लेन यू ऑल द चैप्टर ऑफ द सब्जेक्ट सोशल स्टडीज द नेम ऑफ द चैप्टर इज मुंबई आज हम लोग इस चैप्टर में सिटी मुंबई के बारे में पढ़ेंगे जो कि महाराष्ट्र स्टेट में है हमारे इंडिया कंट्री है और उसमें कई स्टेट्स हैं जिसमें से एक महाराष्ट्र है महाराष्ट्र की कैपिटल सिटी है मुंबई जिसके बारे में हम पढ़ेंगे इसके पहले हमने दिल्ली के बारे में पढ़ा था जो इंडिया की कैपिटल सिटी है ठीक है सो लेट्स बिगिन नाउ मुंबई और बॉम्बे बॉम्बे मुंबई का पुराना नाम था जैसे प्रयागराज का पुराना नाम इलाहाबाद इलाहाबाद के पहले भी प्रयागराज का नाम प्रयागराज ही था फिर इलाहाबाद हुआ और अब फिर से प्रयागराज हो गया मुंबई और बॉम्बे ऑफ द ओल्डर डेज इज एन इम्पोर्टेंट मेट्रोपोलिटन सिटी ऑफ इंडिया इट इज सिचुएटेड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया अलोंग द अरेबियन सी मुंबई पे सिचुएटेड है वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया अलोंग द अरेबियन सी मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र ये मैंने अभी आप लोगों को बताया कि मुंबई महाराष्ट्र की कैपिटल सिटी है द गवर्नर द चीफ मिनिस्टर एंड अदर स्टेट मिनिस्टर हैव देअर ऑफिस इन मुंबई मुंबई के गवर्नर का सॉरी महाराष्ट्र के गवर्नर का चीफ मिनिस्टर का और अलग स्टेट मिनिस्टर्स के ऑफिस जो हैं वो मुंबई में हैं। अदर ऑफिस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट आर ऑल्सो लोकेटेड इन मुंबई प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट अब हम पढ़ेंगे कि मुंबई में कौन कौन सी प्लेसेस हैं इंटरेस्ट की जहाँ पे घूमने लायक है या जहां पे घूमा जा सकता है देर आर मेनी टूरिस्ट प्लेसेस इन मुंबई टूरिस्ट कम फ्रॉम फार एंड नियर प्लेसेस मुंबई में घूमने लायक बहुत सारी जगह है टूरिस्ट कौन होते हैं जो घूमने वाले लोग होते हैं वो दूर से और मतलब कई कई जगहों से लोग मुंबई घूमने आते हैं मुंबई में कौन कौन सी बिल्डिंग्स मॉन्यूमेंट्स एंड बीचेस हैं द मोस्ट फेमस लैंडमार्क ऑफ मुंबई इज़ द गेट वे ऑफ इंडिया सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग जो मुंबई में है वो है द गेट वे ऑफ इंडिया इट वॉज बिल्ड टू वेलकम वेलकम द ब्रिटिश किंग जॉर्ज वी एंड क्वीन मेरी हु विजिटेड बॉम्बे इन नाइनटीन गेटवे ऑफ इंडिया तब बनवाया गया था 1911 में किसके वेलकम के लिए ब्रिटिश के किंग जॉर्ज जौर, जॉर्ज वी और उनकी क्वीन के लिए अदर प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट इन मुंबई आर तारापोरे वाला एक्वेरियम जहांगीर आर्ट गैलरी जीजा माता उद्यान अर्लियर कॉल विक्टोरिया गार्डन्स मालाबार हिल्स द हैंगिंग गार्डन द टेरिस गार्डन एट द टॉप ऑफ द मालाबार हिल्स द शू हाउस मरीन ड्राइव हजी अली दरगाह एंड नेहरू प्लेनेटोरियम इसके अलावा ये अलग जगहें हैं जहाँ पे जो देखने लायक है जहाँ पे जाके घूमा जा सकता है छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय दैट वॉज अर्ल्ड द प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम इज अ रेनोन म्यूजियम इन मुंबई एस एल वर्ल्ड इन मुंबई इज द लार्जेस्ट वाटर थीम पार्क इन एशिया ओके okay. इसके अलावा छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम वहां का बहुत फेमस है जो पहले वेल्स म्यूजियम के बारे में जाना जाता था अब इसके अलावा एस एल वर्ल्ड लार्जेस्ट वाटर थीम पार्क है पूरे एशिया का जो कि मुंबई में सिचुएटेड है सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट इज मुंबई ओल्डेस्ट आर्ट इंस्टीट्यूशन भाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इज इन ट्रॉम्बे नियर मुंबई एलिफेंटा रॉक आर टेस्टर मुंबई इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट सिटी मुंबई हैज मेनी फेमस मॉल्स लाइक रघुलीला इन्फिनिटी इन ऑर्बिट हाई स्ट्रीट फ्योनिक्स ओब्रॉय मॉल फ्योनिक्स मार्केट सिटी एंड आत्रिया मॉल मॉल क्या होते हैं मॉल वो जगह होती है वो बिल्डिंग होती है जिसके अंदर हमें हर एक सामान की दुकान मिलती है चाहे वो हमारे कपड़े हो चाहे वो राशन हो शूज हो या कुछ भी लेना हो मॉल के अंदर आपको हर एक चीज का शोरूम मिलेगा तो ये कुछ इम्पोर्टेंट शॉपिंग मॉल्स हैं जो मुंबई में हैं। देर आर मेनी मार्केट्स लाइक कोलाबा कॉसवे फ्लोरा फाउंटेन फैशन स्ट्रीट मार्केट जावेरी बाजार एक्सेट्रा उसके अलावा कुछ शॉपिंग मार्केट्स हैं जैसे हमारे प्रयागराज में सिविल लाइंस है या चौक है या कटरा मार्केट है जहाँ पे लोग शॉपिंग करने जाते हैं कपड़े खरीदने जाते हैं वैसे ही मुंबई के कुछ इम्पॉर्टेंट मार्केट्स uh, का ये नाम था मुंबई इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ द बॉलीवुड बॉलीवुड यानी कि जो हम मूवीज देखते हैं उनको बॉलीवुड बोला जाता है ये नॉर्थ साइड की मूवीज़ हैं साउथ की मूवीज अलग हैं सो so, बॉलीवुड जो है वो मुंबई में सिचुएटेड है फिल्म सिटीज लोकेटेड इन मुंबई मोस्ट ऑफ द हिंदी फिल्म टीवी सीरियल्स आर मेड हियर, ज्यादा से ज्यादा हिंदी फिल्म और टीवी सीरियल्स यहाँ पे बनते हैं और हीरो हीरोइंस मुंबई में ही रहते हैं मोस्ट ऑफ द फिल्म स्टार्स एंड टीवी आर्टिस्ट लिव इन मुंबई इंडस्ट्री देर आर लार्ज नंबर देर आर लार्ज नंबर ऑफ फैक्ट्रीज इन मुंबई मुंबई में बहुत लार्ज नंबर ऑफ फैक्ट्रीज हैं ज मैन्यूफेक्चर कॉटन सिल्क रेन एंड वुल्स इन फैक्ट्रीज में कॉटन सिल्क रेन और वुल्स हैं मेनी पीपल वर्क इन दीज फैक्ट्रीज फैक्ट्रीज में बहुत सारे लोग काम करते हैं क्योंकि फैक्ट्री में सिर्फ मशीन होने से मतलब नहीं होता है मशीन को भी चलाने के लिए आदमियों की जरूरत पड़ती है फर्टिलाइजर्स इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ऑटोमोबाइल्स एंड केमिकल्स एक्सेट्रा आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन मुंबई ट्रांसपोर्ट सॉरी मिनरल ऑयल इज ऑल्सो फाउंड इन दी एट बॉम्बे द पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन मुंबई इज एक्सिल फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया वॉज रन बिटवीन मुंबई टू थेन इन एटीन फिफ्टी थ्री इंडिया की पहली ट्रेन मुंबई से लेके थेन तक गई थी सन एटीन फिफ्टी थ्री में छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज द बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया इंडिया का सबसे बिजी एयरपोर्ट है छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो मुंबई में है वेदर कंडीशन यहां का वेदर कैसा रहता है एज मुंबई इज अ कोस्टल रीजन यानी कि एक कोस्ट के पास है द क्लाइमेट इज़ मॉडरेट यहाँ का क्लाइमेट जो है वो मॉडरेट होता है समर्स आर वॉर्म एंड ह्यूमिड वेयर एज विंटर्स आर प्लेजेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है आप ये समझ लीजिए कि मुंबई ऐसी सिटी है जहाँ पर साल भर लोग फैन चलाते हैं ठंड बहुत कम पड़ती है गर्मी रहती है ह्यूमिड मौसम रहता है Humid का क्या मतलब होता है जैसे उमस होती है ड्यूरिंग द मानसून मुंबई रिसीव हैवी रेनफॉल लेकिन बारिश यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है मानसून सीजन में हैवी रेनफॉल यहाँ पे होती है पीपल एंड कल्चर पीपल एंड कल्चर मुंबई इज अ कॉस्मोपोलिटन सिटी कॉस्मोपोलिटन सिटी का ये मतलब हुआ कि मुंबई में अलग अलग सिटीज अलग अलग स्टेट से लोग आके रहते हैं पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया वर्क एंड लिव इन मुंबई लैंग्वेजेस लाइक मराठी एंड हिंदी are कॉमनली spoken हियर जो तीन लैंग्वेज सबसे ज्यादा मुंबई में बोली जाती है वो है मराठी Konkani, एंड हिंदी इन तीनों में सबसे ज्यादा मुंबई में मराठी बोली जाती है पाव भाजी वड़ा पाव एंड भेलपुरी आर द स्पेशल डेलीकेसी ऑफ दिस रीजन यहाँ का फेमस फूड है वड़ा पाव पाव भाजी एंड भेलपुरी मुंबई कार्स आर ऑल्सो फाउंड ऑफ ईटिंग श्रीखंड इसके अलावा वो मीठे में श्रीखंड बहुत खाते हैं जो कि दही से बनता है इट इज अ स्वीट डिश मेड ऑफ योगट योगर्ट क्या होती है योगट दही का ही फॉर्म होता है जब आप दही को किसी मसलन के आ, कपड़े में बांध के टांग दें जब उसका सारा पानी निकल जाता है और सिर्फ थिक दही रह जाती है तो हम उसको योगट बोलते हैं क्योंकि नॉर्मल दही को हम इंग्लिश में कर्ड बोलते हैं और जब उसका सारा पानी निकाल के सिर्फ थिक दही बच जाती है जो कि यूज़ होता है मैरिनेशन के लिए डिफरेंट आइटम्स बनाने के लिए तो उसको हम कहते हैं योगर्ट गणेश चतुर्थी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ द सिटी सेलिब्रेटेड ग्रैंडली मुंबई का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ग्रैंड फेस्टिवल है गणेश चतुर्थी द सिटी ऑल्सो सेलिब्रेट अदर इंडियन फेस्टिवल्स इक्वल लेकिन इसका मतलब एंथुजियाज्म नहीं है कि वहां पे बाकी फेस्टिवल्स नहीं मनाए जाते बाकी फेस्टिवल्स भी मनाए जाते हैं लेकिन सबसे बेहतर तरीके से गणेश चतुर्थी मनाया जाता है सो so, ये था मुंबई के बारे में अब हम एक्सरसाइजेस सॉल्व करते हैं इस चैप्टर की Choose and take the correct option. Mumbai is situated along the Arabian Sea. Second, the Gateway of India was built in 1911. Third, Shrikhand is a sweet dish made of yogurt. Fill in the blanks. A large number of people in Mumbai speak Marathi. Second, the Gateway of India was built to welcome King George V and Queen Mary. Gateway of India. <coughs> Next dash is Mumbai's oldest art institution Sir JJ School of Art. Next in Mumbai summers are warm and humid. Next Ganesh Chaturthi is the most important festival of Mumbai. So write T for true and F for false statement. True, we will write for statement and false will write for false statement. First Mumbai was earlier known as Bombay. True. मुंबई को पहले बॉम्बे बोला जाता था ये ट्रू है नेक्स्ट मुंबई इज नोन फॉर इट्स कॉटन इंडस्ट्री टू कॉटन इंडस्ट्री के लिए भी मुंबई को जाना जाता है थर्ड मुंबई इज द सेंटर ऑफ तमिल फिल्म फॉल्स तमिल नहीं बॉलीवुड फिल्म का सेंटर है इसीलिए ये फॉल्स है फोर्थ मुंबई हैज मेनी फेमस मॉल्स ट्रू यस मुंबई में बहुत फेमस मॉल्स हैं नेक्स्ट मुंबई इज लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया नो मुंबई इज लोकेटेड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया सो ये फॉल्स है मैच द फॉलोइंग मुंबई कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र मैच वन विथ ई सेंगिंग गार्डन टेरिस्ट गार्डन यानी कि जो छत पे गार्डन बनाया जाता है तो मैच टू विथ ए थर्ड एलिफेंटा केवस रॉक कट टेम्पल्स मैच थ्री विथ बी भेलपुरियन पाव भाजी फूड और स्नैक्स मैच फोर विथ सी बॉम्बे हाई ऑयल फील्ड मैच फाइव विथ टी सो टू थ्री फोर फाइव एंड वन